1984 दे विच जो दुखांत वापरे है कल्लू घारे दा उहदी याद दे विच जुड़े बैठे हैं। उस वेले दी भारत सरकार ने इस दिन 1984 दे विच साडे पिंडे ते झरीटां नहीं मारियां, पिंडे ते लगियां झरीटां दे जख्म जिहड़े आ उह मिट जांदे हुंदे आ, उन्हें साढ़े दिलों के उत्ते डूंघे जख्म किए हैं। और ये जड़े डूंघे जख्म है ये भरने नहीं है, सूरज पछम तो चढ़ सकता है, समुद्र सुक सकते हैं, धरती हिल सकती है, पर जे भारत सरकार चाहती है ना कि सिख 84 भुल जाण तो ये 84 भुली नहीं जानी है, क्योंकि जख्म बड़े गहरे, जख्म बड़े डूंघे। और जिन्होंने जख्म दिते उन्होंने तो मलम लाउणी की सी, उदों बाद जिहड़े हुक्मरान आए उन्होंने भी मलम लाउण का कोई यतन नहीं किया, पर ना ही असीं उम्मीद करते। जालम सरकारां तो कदी उम्मीद रखनी भी जिहड़ी है ना वो बहुत ही सियाणप नहीं हुंदी। लोड़ हुंदी है अपने आप नूं मजबूत करन दी। साडा इतिहास दसदा है कि जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बहादुर शाह 1984 दे विच जो दुखांत वापरे है कल्लू घारे दा उहदी याद दे विच जुड़े बैठे हैं, उस वेले दी भारत सरकार ने इस दिन 1984 दे विच साडे पिंडे ते झरीटां नहीं मारियां, पिंडे ते लगियां झरीटां दे जख्म जिहड़े आ उह मिट जांदे हुंदे आ, उहने साडे दिलां दे उत्ते डूंघे जख्म कीते आ। और ये जिहड़े डूंघे जख्म है ये भरने नहीं आ, सूरज पछम तो चढ़ सकता है, समुद्र सुक सकते हैं, धरती हिल सकती है, पर जे भारत सरकार चाहती है ना कि सिख 84 भुल जाण तो ये 84 भुली नहीं जानी है, क्योंकि जख्म बड़े गहरे, जख्म बड़े डूंघे। और जिन्होंने जख्म दिते उन्होंने तो मलम लाउणी की सी, उदों बाद जिहड़े हुक्मरान आए उन्होंने भी मलम लाउण का कोई यतन नहीं किया, पर ना ही असीं उम्मीद करते। जालम सरकारां तो कदी उम्मीद रखनी भी जिहड़ी है ना वो बहुत ही सियाणप नहीं हुंदी। लोड़ हुंदी है अपने आप नूं मजबूत करन दी। साडा इतिहास दसदा है कि जदों गुरु गोबिंद सिंह पातशाह ने बहादुर शाह